नोएडा यूपी में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर बन गया है। यहाँ पर चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शहर के विकास को रफ्तार दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको नोएडा से जुड़े उन 5 खास प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में नोएडा को दुबई जैसी पहचान दिला सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा को यूपी की आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है, कभी आपने सोचा है? दिमाग पर ज्यादा जोर न डालिए। इसकी अहम वजह यही है कि ये शहर यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर साबित हो रहा है। यहाँ लगातार नए नए प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं जिससे ये शहर तेजी से उभर कर भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। ऐसे आप भी उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लीजिए जो नोएडा को भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर दुबई के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। सबसे पहले बात जेवर एयरपोर्ट की। जेवर में बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट के बनने से यहां आने वाले समय में हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, पर्यटन को भी बड़ी संख्या में बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस परियोजना को पहली बार 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे से सटे ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल एविएशन हब के रूप में प्रस्तावित किया गया था। जबकि 2014 में जब बीजेपी सरकार नोएडा में चुनकर आई तो इस प्रोजेक्ट को वास्तव में जमीन पर उतारने का काम किया गया। वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। हाल ही में जेवर एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें साझा की। इस प्रोजेक्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पैनी नजर है। जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। चलिए अब आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है नोएडा में बन रही फिल्म सिटी। फिल्म सिटी की बात करें तो इसे बनाने का कार्यभार बोनी कपूर की कंपनी वेव्यू प्रोजेक्ट्स ने ज्यादा बोली लगाकर जीत लिया है, जिसकी रूपरेखा कंपनी ने तैयार कर ली है। फिल्म सिटी को 7 जोन में बांटकर विकसित किया जाएगा। कमर्शियल फिल्म निर्माण क्षेत्र फिल्म सिटी के कुल क्षेत्रफल का 56% होगा। इस फिल्म सिटी में टेक्नोलॉजी सेंटर, एजुकेशन सेंटर, स्टूडियो हेड ऑफिस, मार्केटिंग, इको सिनेमा सेंटर, प्रोडक्शन हाउस ऑफिस, फिल्म इक्विपमेंट मॉल जैसे सेटअप बनाए जाएंगे। शहर में फिल्म सिटी बनने से यहां सारे फिल्मी सितारे नजर आने वाले हैं, क्योंकि शूटिंग के लिए इन एक्टर्स को यहां बन रही फिल्म सिटी में आना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये फिल्म सिटी मुंबई में बनी फिल्म सिटी को कड़ी टक्कर देने वाली है। अब नजर नोएडा से जुड़े तीसरे अहम प्रोजेक्ट पर। अभी हाल ही में यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने जापान के टोक्यो में इस मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर के सामने रखा है। मेडिकल से संबंधित उपकरणों को बनाने के लिए बड़ी कंपनियों से टाई अप किया गया है। इस दौरान इस प्रेजेंटेशन को जापान की दिग्गज मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने देखा है, जिसके चलते अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत में निवेश कर सकती है और इन उपकरणों को भारत में ही डेवलप किया जाएगा, जिससे भारत के अस्पतालों में इन उपकरणों की भारी कमी को दूर किया जा सकेगा। और ये सब काम होगा नोएडा में, मतलब कि नोएडा में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में। चलिए अब चौथे प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं। ये प्रोजेक्ट है नोएडा में बन रहा चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट कोई नई परियोजना नहीं है, करीब 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसका काम वास्तव में साल 2018 में शुरू किया गया था। काम शुरू होने के बाद नोएडा अथॉरिटी और ब्रिज कॉरपोरेशन के बीच उपजे विवाद ने इस प्रोजेक्ट पर अंकुश लगा दिया था और नवम्बर 2021 में इसका काम पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। अब तक केवल 10-12% का काम ही पूरा हुआ था। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 605 करोड़ की धनराशि को पास किया गया था, लेकिन समय के साथ बजट में बदलाव किया गया। चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर महामाया फ्लाईओवर से शुरू होते हुए सेक्टर 14A, 16, 18 को लिंक करते हुए महामाया फ्लाईओवर को नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जोड़ेगा। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। नोएडा से जुड़ा 5वां अहम प्रोजेक्ट नोएडा साया स्टेट मॉल प्रोजेक्ट है। इस मॉल को भारत में टॉलेस्ट मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे नोएडा सेक्टर 129 में बनाया जा रहा है। अभी तक इसका 25% काम पूरा हो चुका है। 2025 में इसकी डेडलाइन रखी गई है। इसे बनाने में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसे बनाने के लिए साया ग्रुप तेजी से काम कर रही है।
इन सभी प्रोजेक्ट्स के बनने से नोएडा में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं यूपी की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।